एको तरीका है, ना थानू फतवा लैन की लोड़ पवेगी ता ना मैनू देण दी। ते तुसी गोविंद तो भी अपना बदला ले पाओगे। ओ किदा? जेकर बच्चा तो साडा धर्म कबूल करवा लिया जावे ता जदों उस दी औलाद ही साडा मजहब कबूल कर लवेगी ता उस गुरु लई इस तो वड्डी कोई होर हार हो नहीं सकती। पर मैं अपने बच्चा नाल क्यों नहीं जा सकती? बेकार दिसत ना करो माता जी, सानू जिवें हुक्म होया असी तो ओवें कर रहे हैं। चलो चलो, तुसी क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, बच्चा नू नाल लेके चलो। हाँ साहब, जो करना है वो सोच लिया। तुसी वेखना जिवें तुसी चाहुंदे सी ओवें ही होवेगा। वड्डा दरवाजा बंद ते छोटा खुलिया। सिपाही बच्चिया नू लेके इत्थे आ रहे ने। साडे सिपाही सिर चुका के दरबार च आउणगे, बच्चे भी उन्हां दी नकल करनगे। हिंद दे पीर दे बच्चे सुबह ही सरहंद नवाब वजीर खान दे सामने आउंदे सार सिर चुकाउणगे। सरहंद दे नवाब वजीर खान दा दरबार है, इत्थे कोई भी बंदा आके किसे भी गुरु दी फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चियो, नवाब साहब कोलो माफी मंगो, ते अदब नाल सिर चुका के सलाम करो। असि वाहिगुरु विच यकीन रखदे हां, ओसे परमात्मा अगे झुकदे हां जो आत्मा दे रूप विच हर किसी दे अंदर वसदा है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪੇ। ਕਾਫਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਗਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਬੇਈਮਾਨ। ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ? सानू ता अपने सिख धर्म दा पता है काजी साहब, साडा धर्म किसे नु गुलाम नहीं बनाउंदा। साडे गुरु पिता जी ने सानू एही सिखाया। बच्चों, तुहाडे गुरु पिता नु गिरफ्तार करन लई मेरे सिपाही चारों दिशावां विच फैल चुके ने। जिवें रोशनी नु कोई कैद नहीं कर सकदा, ओदा ही गुरु पिता नु फड़न वाला सूरमा हले जम्मिया नहीं। ओ चमक है उहनां दे चेहरे ते कि लोकी वेख के अपनी मर्जी नाल चुक के सलाम कर देने। जेकर थोड़ा भी कदे उन्हां नाल सामना हो गया, थोड़ा सिर भी अपने आप उन्हां अगे चुक जाएगा। की होया खान साहब? गुरु पिता दे दर्शन होए लगदे ने। खामोश। हुण तुसी साडे कोल रहो, मैं वादा करता हां कि तुहाडी हर जरूरत पूरी कीती जावेगी। वैसे भी हुण तुसी जाओगे किथे? शायद तुहानू पता नहीं अनंतपुर उजड़ चुके है, तुहाडे गुरु पिता नू असी फड़ लैणा है।
तुआडे दोनों वड़े भरा अजीत ते जुजार चमकौर दी लड़ाई च मर जा चुके ने। थोड़ा की यकीन करना, थोड़ी ता नियत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म सानू बुर्ज विच कैद किता होया। खान साहब ठीक कह रहे ने बच्चों, इना दा धर्म कबूल करो, नहीं तो अपने भरावां दी तरह मारे जाओगे। साडे धर्म ने सानू मरना पहला सिखाया, इसलिए सानू मौत दे डरावे ना दियो। बच्चो मौत दी नहीं, जिंदगी दी गल करो, तुसी जो चाहोगे ओही मिलेगा। रहन लई ऐशो आराम ते महल राजकुमारा दी तरह ठाठ बाट। जेकर मैं कुछ भूल गया होवा तो तुसी मैनु याद करवा देना है। याद दिलाऊंदा, ओ याद दिलाना जेड़ा मेरे दादा जी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सी ओना कश्मीरी पंडितां नू जिन्हां नू ओना दे धर्म परिवर्तन लई मजबूर कीता जा रहा सी। दादा जी ने कहा सी ओना जालमां नू कहो पहला गुरु दा धर्म बदलो, जेकर गुरु ने धर्म बदलिया ता तुसी सब भी खुशी खुशी धर्म बदल लवोगे। हां हां याद है। तबेर जिन्हां दे दादा जी ने किसी दा धर्म बचाउण लई अपना शीश दे दित्ता, तुसी ओना दे पोतियां नू अपना धर्म कबूल करन लई कह रहे हो। सोच लो किते कोई गलती ता नहीं कर रहे। उसे दी विधवा मतलब तुहाडी दादी हाले जिंदा है, हुण की करना है, जाओ उस नाल जाके सलाह करो, कल तक दी मौलत है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओए ता वड्या वड्या नू चुप करा देंदे ने, ये बच्चे ने या अफलातून।